मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेमावर पहुंचे हैं और यहां बस स्टैंड पर दौरा कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर भारी तबाही हुई थी और अब यहां पर स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात करके जानना चाह रहे हैं क्या नुकसान आपको अब तक जानकारी मिली है। सर कितना नुकसान की जानकारी अब अभी आकलन हो रहा है, अभी तो बहुत प्रारंभिक आकलन है। हजारों मकान हमारे नष्ट हुए हैं, सैकड़ों पशु बहे हैं और अभी तक 10 लाख हेक्टर से ज्यादा में फसल बर्बाद हुई है। आकलन अभी चल रहा है। लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या शिकायत है प्रमुख सर? शिकायत तो नहीं, लोग तो सरकार से अपेक्षा रखते हैं क्योंकि जो सरकार जनहित के काम करती है, जनता की चिंता करती है, उससे अपेक्षाएं हैं और आप चर्चा देख ही रहे हैं साथ। सर आपने एक बात कही अभी कि रोना नहीं रोएंगे आर्थिक संकट का। हाँ, तो क्या संकट है मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस समय तो कहीं से भी इंतजाम करके जनता की मदद करनी। सर किस तरह की मदद शुरुआती तौर पर करने और आरंभ में, क्योंकि लगातार यही मांग उठ रही कि कैसे मदद करेंगे? अभी तत्काल मदद शुरू कर दी, आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि भी देंगे, किसानों को भी राहत की राशि देंगे, फसल बीमा योजना का भी लाभ दिलाएंगे। सर तो ये शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके अंतर्गत अब किसानों की मदद शुरू हो जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है और आकलन अभी चल रहा है, जल्दी ही राहत देंगे ये दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरन काले, TV9 भारतवर्ष, नेमावर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।